अब आगे का स्वर्ग का पीछे का भाग मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं। यस, भयंकर जनता जिस समय उसके घर के सामने से आगे निकल गई, उस समय क्षण भर के लिए वातिन भी अपने काम को छोड़कर खिड़की पर आकर चुपचाप देखने लगा। तो अगला भाग शुरू करते हैं। संध्या भोजन के प्रसंग में दूसरे दिन माँ शोए ने वातिन से कहा, कल की संध्या आनंद से कटी, बहुत लोग दया करके आए, चूंकि तुम्हें समय नहीं था इसलिए तुम्हें नहीं बुलवाया। उस चित्र को वो प्राण प्रण से समाप्त कर रहा था, मुंह उठाए बिना ही बोला, अच्छा ही किया। यह कहकर वो काम करने लगा। आश्चर्य से माँ शोए स्तंभित होकर बैठी रही। बात के बोझ से उसका पेट फूल रहा था। कल वातिन काम के बोझ से उस समय सहयोग नहीं दे सका था, इसी से आज बड़ी देर तक बहुत सी बातें करने की इच्छा लेकर वह आई थी, परंतु सब कुछ उल्टा हो गया। केवल अकेले अकेले प्रलाप चल सकता है, परंतु अलाप का काम नहीं चलता, इसीलिए वह केवल स्तब्ध होकर बैठी रही। किसी भी तरह दूसरे पक्ष का प्रबल उदास्य एवं गंभीर निरवता के रुद्ध द्वार को खोलकर भीतर प्रविष्ट होने का आज भरोसा नहीं कर सकी। प्रतिदिन जो सब छोटे मोटे काम वह कर जाती है, आज वे सब भी पड़े रहे, किसी में हाथ लगाने की उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई। इसी बात से बहुत समय बीत गया। एक बार भी वाथी ने मुंह नहीं उठाया, एक बार भी एक प्रश्न भी नहीं किया। कल की इतनी बड़ी घटना के संबंध में भी उसका जैसे लेश मात्र भी कौतूहल नहीं है। काम के बीच सांस छोड़ने का भी उसे वैसा अवसर नहीं है। बहुत देर बाद निशब्द कुंठित और लज्जित बनी रहकर अंत में वह उठकर कोमल स्वर से बोले, आज मैं जाती हूं। वाथिन ने चित्र के ऊपर आंखें गड़ाए हुए कहा, जाओ। जाने के समय माशोय को जैसे वह इस व्यक्ति के हृदय की बात को जान गई है। पूछ लूं एक बार उसकी इच्छा हुई, परंतु मुंह नहीं खोल सकी, चुपचाप बाहर निकल गई। घर में पांव रखते ही देखा पोथीन बैठा हुआ था। गत रात्रि के आनंद उत्सव के लिए धन्यवाद देने आया है, अतिथि को माँ शोए ने यत्न पूर्वक बैठाया। उस व्यक्ति ने पहले तो माँ शोए की ऐश्वर्य की बात उठाई, फिर उसके वंश की बात, उसके पिता की ख्याति की बात, उसके राजद्वार में सम्मान की बात, ऐसे ही कितनी अनर्गल बातें बकता चला गया। इन सब में से कुछ को तो उसने सुना और कुछ बातें उसके अन्य मनस्क कानों में पहुंची ही नहीं, परंतु वह व्यक्ति केवल बलिष्ठ एवं अत्यंत साहसी घुड़सवार ही नहीं, अत्यंत धूर्त भी था। माँ शोए की यह उदासीनता उससे छिपी नहीं रही। उसने मंडले के राज परिवार का प्रसंग उठाकर अंत में जब सौंदर्य की आलोचना प्रारंभ की एवं कृत्रिम सरलता से परिपूर्ण होकर इस रमणी को लक्ष्य एवं उपलक्ष्य करते हुए बारंबार उसके रूप और यौवन को इंगित करने लगा, उस समय उसे मन ही मन अत्यंत लज्जा होने लगी, परंतु एक अपरूप आनंद गौरव का अनुभव किए बिना भी न रह सकी। वार्तालाप समाप्त होने पर पोतिन से जब विदा ली, तब आज की रात के लिए भी वह भोजन का निमंत्रण ले गया, परंतु चले जाने पर उसकी बातों को मन ही मन दोहरा कर माँ शोए का संपूर्ण मन छोटा एवं ग्लानि से भर उठा तथा निमंत्रण कर डालने के लिए विरक्ति और वितृष्णा की सीमा भी न रही। उसने झटपट और भी कई व्यक्ति बंधु बांधवों को निमंत्रण करने के लिए नौकर के हाथों पत्र भिजवा दिए। अतिथिगण यथासमय आ उपस्थित हुए एवं आज भी अनेक हंसी तमाशे, अनेक गप्पे, अनेक नृत्य गीतों के साथ जब भोजन भोजन समाप्त हुआ, तब रात और अधिक शेष नहीं थी। क्लांत प्रश्रांत होकर वह सोने गए, परंतु आंखों में नींद नहीं आई। परंतु आश्चर्य यही था कि जिसकी वजह से अपना प्रत्येक क्षण इस प्रकार काट रही थी, उसकी एक बात भी मन में नहीं उठी। वह सब जैसे कितने ही युगों का पुराना अकिंचित कर व्यापार है, ऐसा ही शुष्क, ऐसा ही नीरस। उसे केवल याद आने लगा कोई दूसरा ही व्यक्ति
जो उसी के उद्यान प्रांत में एक निर्जन घर में इस समय निर्विघ्न है। आज की इतनी बड़ी धमा चौकड़ी का लेश मात्र भी उसके कानों में जाने के लिए छोटा सा मार्ग भी कहीं से ढूंढे न पा सका। 6 दिनों का अभ्यास सवेरे होते ही माशोई का फिर वह उनके घर में जा पहुंचे। प्रतिदिन की भांति आज भी उसने केवल एक आओ कहकर अपनी सहज अभ्यर्थना समाप्त कर काम में मन लगा दिया, परंतु पास बैठकर भी एक अन्य व्यक्ति को आज मन में यही लगने लगा वह कर्म निरत नीरव व्यक्ति जैसे बहुत दूर हट गया है। बहुत देर तक माशोई कोई बात ढूंढ कर भी नहीं पा सकी। तदउपरांत हट कर जिज्ञासा की, तुम्हारा काम और कितना बाकी है? बहुत। तब इन 2 दिनों तक क्या किया? वातिन इसका उत्तर न देकर चुरट का बक्स उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, शराब की यह गंध मैं सह नहीं सकता। माशोई इस संकेत को समझ गए, जल बुनकर हाथ से बक्स को जोर से सरकाती हुई बोली, मैं सवेरे सवेरे चुरुट नहीं पीती, चुरुट पीकर गंध छिपाने की चेष्टा भी नहीं करती, मैं नीच कुल की लड़की नहीं हूं। वाथिन ने मुंह उठाकर शांत कंठ से कहा, शायद तुम्हारे कपड़ों में किसी प्रकार लग गई होगी, शराब की गंध की बात मैं बनाकर नहीं कह रहा। माशोई विद्युत वेग से उठ खड़ी हुई, तुम जैसे नीच हो वैसे ही ईर्ष्यालु भी हो, तभी मेरा बिना दोष के अपमान किया है। अच्छा यही ठीक है, अपने कपड़े लत्तों को मैं तुम्हारे घर में सदैव के लिए हटाए ले जा रही हूँ। यह कह कर वह अपेक्षा किए बिना ही शीघ्रता पूर्वक घर छोड़कर जाने लगी। वाथे ने पीछे से पुकार कर उसी भांति संयत स्वर में कहा, मुझे नीच और ईर्ष्यालु किसी ने कभी भी नहीं कहा, तुम एकदम ही अधो मार्ग पर जाने के लिए उद्यत हो गए हो, इसी से सावधान किया है। माशोई ने लौट कर खड़े होते हुए कहा, अधो मार्ग पर कैसे चलेगी, यही मुझे तो लगता है। अच्छा इस समझ को स्वयं ही ले रहो, परंतु जिसके पिता आशीर्वाद दे गए हैं संतान के लिए अभिशाप नहीं छोड़ गए, उसके प्रति तुम्हारे मन का मेल नहीं हो सकता। यह कहकर वह चले गए, परंतु वाथिन स्थिर होकर बैठा रहा। कोई किसी कारण उसे इस प्रकार मर्मांतक रूप से बेंध सकता है? इतना प्यार एक दिन में ही इतना बड़ा विष हो सकता है, इसे वह सोच भी नहीं सकता। उसने गरा कर देखा, पोथिन बेटा है। वह चकित होकर उठ बैठी, मधुर स्वर में थोड़ा सा हंस, बचपन से जिन 2 व्यक्तियों का कभी एक क्षण के लिए भी विचेत नहीं हो